उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत लंबे समय के बाद पुनः संजय सर आप सबों के लिए रीजनिंग लेकर के आ गए हैं आज, और हम सब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्यारे छात्रगण, आप सबों को बहुत बहुत अच्छी तरह से पता है कि कॉम्पिटिशन क्या होता है और कॉम्पिटिशन के लिए हमें किस स्तर का मेहनत करना है। सबसे पहले हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करें उसके पूर्व में आइए कुछ ऐसी बातें करते हैं जो निश्चित रूप से परीक्षाओं में सफलताओं के मार्ग प्रशस्त करते हैं। छात्रगण, दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर मेहनत, घोर परिश्रम और मन में सच्ची लगन आपकी आपको सफलताएं दिला सकती हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप भी अपनी सफलताओं के परचम लहरा सकते हैं। आप ये हमेशा मान करके चले कि आप कभी भी अपने आप में घबराएं नहीं। आज भले ही वक्त आपके साथ थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, आपके मन में ये सब चलता होगा कि सर बाजार में कोई रिक्तियां नहीं है, कोई वैकेंसियां नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए कि बाजार में आने वाले समय में इतनी भारी वैकेंसी आ रही है, इतने जगहों से रिक्तियां आएंगी। ना सिर्फ ये केंद्र सरकार की रिक्तियां होंगी, आपको मालूम होगा कि पूर्व में NTPC जैसे विस्तृत विशाल प्लेटफॉर्म का फॉर्म जो है पहले से भरा पड़ा है, और अगर आपकी अभी तैयारी नहीं रहेगी तो आप समझ जाइए कि जैसे ही ये जो लॉकडाउन और अनलॉक और ये कोरोना का पीरियड खत्म होगा, जब सब कुछ एज यूजुअल जिंदगी हो जाएगी, तो उस समय फिर आपकी तैयारी अगर सही वक्त पे नहीं रहा तो आप उसमें कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए प्यारे छात्रगण, प्यारे विद्यार्थीगण, एकदम से कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। गुरुकुल कोचिंग संस्थान आप सबों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं ले आई हैं, हम सब फुल फ्लेजर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खड़े हो चुके हैं ताकि आपको उसी प्रकार की पढ़ाई करा सके जिस प्रकार से हम सब अपने ऑफलाइन में किया करते थे। छात्रगण, हमेशा ध्यान रखिए आपको क्या करना है। पढ़ाई शुरू करने से पहले हम सब आज आधी घंटा अपने इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे, फिर सिलेबस पे प्रवेश करवाएंगे आपको, फिर रीजनिंग क्या है उन विषयों के बारीकियां बताएंगे, और अगर वक्त मिला तो कुछ आगे भी हम सब करेंगे। छात्रगण, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि परीक्षाओं में सफलताएं आपके परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। आप किस तरह का परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन पे करते हैं, इसी पर आपकी सफलता निर्भर करती है। यदि आप चाहते हैं कि परीक्षाएं के जितने सारे विषय हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई सारे विषय हैं, आप सभी विषयों पर कभी मास्टर नहीं बन सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। जनरली जो कॉमन परीक्षाओं का प्लेटफॉर्म है, जहां प्रत्येक वर्ष रिक्तियां आती हैं, वैकेंसियां निकलती हैं, उनमें SSC है, रेलवे है, बैंकिंग है, इन सब के विषय बिल्कुल एकदम कॉमन है। एक कॉमन कंपटीशन का जो सब्जेक्ट है वो आप यहां पे जान जाइए कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के विषय क्या हैं। सब्जेक्ट इन द जनरल कॉम्पिटिशन नंबर वन, फर्स्ट सब्जेक्ट इज जनरल अवेयरनेस, यू कैन से दिस इज द GK GS। नंबर दो, मेंटल एबिलिटी, you can say the reasoning, in Hindi it is tark shakti. Number 3, maths. Number 4, computer. Number 5, English, and somewhere Hindi also in RRB only, and banking. So we have the following subjects, dear friends: general awareness, GK and GS, mental ability, reasoning or tark shakti, maths, computer, English. बस इन्हीं 5 सब्जेक्टों की आपको तैयारी करनी है। आप ये कभी ना समझें कि सर मेरी इन 5 विषयों की तैयारी एक सर्टेन समय पर हो जाएगी, और 5 विषय की पूरी तैयारी आप कभी आप नहीं कर सकते हैं। इन 5 विषय की तैयारी आपसे कभी नहीं होगी। बस जरूरत यही है
कि इसमें दो तीन ऐसे विषयों की आप तैयारी कर लीजिए और उसे परफेक्ट बना लीजिए, कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए उन तमाम तीनों सब्जेक्टों पर, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी तैयारी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई कि कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी परीक्षाएं क्यों ना हो, उसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए बातें करते हैं सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की। जब हम जनरल अवेयरनेस की बातें करते हैं तो इस पर प्रश्न दो मोड पे होते हैं, एक जो जनरल साइंस है, डे टू डे एक्टिविटीज है, करेंट इवेंट्स है, इन सबसे ये सजा धजा होता है पूरा जनरल अवेयरनेस का टॉपिक। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक पर आपको स्मार्ट बनने के लिए करना क्या है कि प्रतिदिन अखबार के माध्यम से आप टचअप में रहें, कुछ एक अच्छे मैगजीन्स आपको बताए जाएंगे और क्लास के नोट्स ये आपके लिए सफिशेंट हैं इस विषय पर आपको कमांड करने का। ध्यान रखिए दिए गए 5 विषयों में से किसी भी 3 विषय में अगर आप मास्टर बन जाते हैं, यानी आपकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाती है, तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपकी सफलताओं का इतिहास लिख दिया जाएगा। छात्रगण ध्यान रखें, सेकेंड पेपर पर हम सब आते हैं जो हमारा मेंटल एबिलिटी का पार्ट है। कहा जाता है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए मेंटल एबिलिटी, जिसको हम सब रीजनिंग कहते हैं, हिंदी में इसे तर्क शक्ति कहा जाता है, अपने आप में एक बेहद बेहद बहुत बड़ा योगदान रखता है। और हम सब दावे के साथ कहते हैं कि मेंटल एबिलिटी यदि कोई बच्चा स्मार्ट कर लेता है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की दुनिया में, तो वो निश्चित रूप से सफलताओं के झंडे लहरा सकता है। आप जान जाए छात्रगण कि पूरी मेंटल एबिलिटी ना कोई सूत्र ना कोई फॉर्मूला, बस आपका अपना कॉन्सेंट्रेशन और आपकी हल्की सी समझ इस विषय पे आपको मास्टर बना सकता है। और मैं संजय सिन्हा इसी मेंटल एबिलिटी को लेकर के आपके पास आऊंगा और आपको दावा करता हूं, आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपने आज तक जहां भी पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा होगा। जब आप मेंटल एबिलिटी की कक्षाएं मैं शुरू करूंगा छात्रगण, तो आपको खुद ब खुद ये आभास हो जाएगा कि सर नहीं, अब हम सब इस विषय पर 100% क्वेश्चन फुल कर पाने के लिए कामयाब हैं। छात्रगण आपको बता देना चाहेंगे कि यदि मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों की संख्या किसी परीक्षा में 30 क्वेश्चंस पूछी जाती है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30, इफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40, इफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 25, इफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50, आई एम चैलेंजिंग यू, यू विल एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस अबाउट 30, 40 में 40, 25, 50/50। So this is basically the scenario of the mental ability. You can imagine ki sir out of 100% marks I am getting the 100% marks, 30 mein 30, 40 mein 40, 25 mein 25, 50 mein 50, and we can name that one the target 100%, target 100%। Aur isi 100% target ko lekar ke hum sab chalenge chhatgan, aapko yakin dilate hain ki yah vishay aapko परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के मार्ग प्रशस्त कर देगा। अब इन तीनों विषयों में से 2 विषय की चर्चाएं मैंने आपके सामने में करी। अब रेस्ट जो 3 विषय होता है, इसमें इंग्लिश विषय ये जो है वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, क्वालिफाइंग विषय है, आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करने की आवश्यकता अब नहीं है। रही बात मैथ्स में, कंप्यूटर में और इंग्लिश, इन तीनों को मिला करके किसी एक विषय को आप थोड़ा अच्छा और कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड अब आपका कैसा रहा है, बचपन से आप मैथ्स में कितने स्मार्ट हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन अगर अभी आपने मैथमेटिक्स शुरू किया है तो आपको थोड़ा सा वक्त लग जाएगा इसको इम्प्रूव करने में। इसलिए जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन तीनों में से कोई एक विषय अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपकी सफलताएं निश्चित रूप से लिख दी जाएगी। कोरोना काल में आपने बहुत आराम कर लिया, आप घर में झगड़ते रहे, आप घर में खेलते रहे, लेकिन पढ़ाई के प्रति आप उतने कॉन्सेंट्रेट नहीं हुए। इस बात को आपको पश्चाताप करना होगा छात्रगण, क्योंकि जैसे ही ये कोरोना पीरियड्स खत्म होगा आपके पास हजार रिक्तियां आएंगी। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, हम सब अपने क्लास में ही आपको रिक्तियों के बारे में बताएंगे, वैकेंसियों के बारे में बताएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट पे ये वैकेंसी आई हैं, और हमारे साथ आप जुड़ करके इन तमाम वैकेंसियों को क्लियर कर सकते हैं, इन तमाम रिक्तियों को आप क्लियर कर सकते हैं। छात्रगण जिंदगी में परेशानी, दुख, मुश्किलें किस व्यक्ति के पास नहीं होता है? एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई भी परेशानी और मुश्किल नहीं है, और वो व्यक्ति शमशान घाट में जाकर के सो रहा है, उसके पास कोई परेशानी नहीं है।
तो आप जब तक जीवित रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, तब तक कहीं ना कहीं आपको परेशानियां आपको जरूर झेलती रहेगी। इसलिए मेरा ये आपसे निवेदन है, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इन परेशानियों को, आप इनको दूर करते हुए अपने पढ़ाई की ओर विस्तृत रूप से ध्यान दें। मुझे याद आता है एक महान शख्सियत की कहानी जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। वो जितने बड़े फिजिक्स के ज्ञाता थे, जितने महान वो फिजिक्स के ज्ञाता थे, उससे उतने ही बड़े वो आर्टिस्ट थे, चित्रकार थे, और वो कमाल की पेंटिंग बनाया करते थे। छात्रगण, एक बार उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें एक व्यक्ति सो रहा है और उसका चेहरा ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है, और पूरे जो पेंटिंग रूम होता है जो उसमें सारा वो कुछ आकर के लगा दिया गया है, और जितने सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं सब यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये किस चीज की पेंटिंग आइंस्टीन महोदय ने बनाई है, ये किस चीज की पेंटिंग है कि एक आदमी सोया हुआ है और हाथ और पैर के जगह में उसके पंख लगे हुए हैं और चेहरा जो है वो ब्लैक कलर से कलर किया हुआ है। तमाम लोग इन बातों को समझ पाने में अनभिज्ञ थे। लास्ट में जब उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी तब जाकर भी उन्होंने इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। तब वो सब गए आइंस्टीन महोदय के पास में और उन्होंने कहा कि महोदय, आपने ये किस चीज की पेंटिंग बनाई है? आइंस्टाइन ने कहा कि प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों या देखने वाले सभी लोग, मैंने यह पेंटिंग अवसर की बनाई है, अपॉर्चुनिटीज की बनाई है, अवसर, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज की हम सबों ने यह पेंटिंग बनाई है। अवसर इसी प्रकार से मुंह ढके हुए रहता है, अवसर किसी का इंतजार नहीं करता, और जैसे ही अवसर आता है वो पंख लगा कर उड़ जाता है। इसलिए आपके पास भी वक्त आएगा, आपके पास अभी उम्र है, आप इस उम्र के पड़ाव पर अपने जीवन में सफलताएं हासिल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका उम्र बीत जाएगा ये पंख लगा करके उड़ जाएगा और आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। क्या वही प्राइवेट नौकरी? आज सरकारी नौकरी, आपने देखा कि लॉकडाउन के पीरियड में सरकारी नौकरी का क्या क्रेज था। आपने देखा कि जिन व्यक्तियों के पास सरकारी नौकरी थी, सरकार ने उसे महीने के पहले पैसा दिया ताकि वो लॉकडाउन में अच्छा जीवन जी सके। लेकिन तमाम प्राइवेट कंपनियों ने किस प्रकार से बच्चों को निकाला जो नौकरी कर रहे थे, वो किस दशा, किस जिंदगी में वो जीते। इसलिए छात्रगण, इसे सबक लीजिए। ये जुनून था, कोरोना काल ने हमें जीना सिखाया, हमें ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का ये मौका दिया कि कल के डेट में अगर हम सब अपनी सफलताओं का इतिहास नहीं लिख पाए तो कल का भविष्य मेरा बहुत ही अंधकारमय होगा। आइए छात्रगण, मेरे साथ जुड़िए, हमसे कनेक्टेड होइए, हम आपको मंजिल तक पहुंचाने का दावा करते हैं और आपको यह भी भरोसा दिलाते हैं कि आप मेरे साथ हमारे गुरुकुल के ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ करके आप उतना ही कंफर्टेबली, उतना ही हेल्दी फील करेंगे जितना आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में फील करते थे। एक एक चैप्टर हम सब उसी प्रकार से पढ़ाएंगे जैसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे और उसी कंटेंट से आपको आगे कंसेप्ट देते हुए हम सब आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। छात्र, रिक्तियां आती रहती हैं, रिक्तियां जाती रहती हैं। आपको एक ही बात का अफसोस होगा कि यदि आपने उस समय तक अच्छी तैयारी नहीं करी, यदि आपने बहुत अच्छा तैयारी नहीं किया, तो आपको अफसोस के अलावा जीवन में और कुछ भी नहीं होगा कि सर, काश अगर मैं उस समय अच्छी तैयारी कर लिया रहता तो आज मेरी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो गई रहती। छात्रगण, तैयारियां एक या दो दिनों में नहीं होती, तैयारी के लिए लंबे वक्त चाहिए। लेकिन हाँ, मैं यह भी कह देता हूँ कि आपने अगर मन से ज्यादा नहीं 3 से 4 घंटे प्रतिदिन यदि आप अपना पढ़ाई में दे सकते हैं तो आपकी सफलताओं का इबारत, आपकी सफलताओं का इतिहास लिखा जाना निश्चित माना जाएगा और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी सफलताओं, जो आपको सफलताओं से वंचित कर दे। मैं अक्सर देखता हूं कि आधे बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं इंग्लिश नहीं कर सकता हूं। आपको इंग्लिश को बॉदरेशन लेकर के नहीं चलना है। आप क्या करें, आपको करना क्या है कि जब आप ब्रश करते हैं, जहां पे आप ब्रश करते हैं वहां पे कुछ वर्ड लिख करके उसे चिपका दीजिए। ब्रश करते करते आपको 4, 5, 7, 8 वर्ड आपका याद हो गया। ये डेली चलता रहेगा, वो डेली रिवाइज होगा। ब्रश घूम घूम कर नहीं करना है, यह भी आप याद रखें कि ब्रश घूम घूम कर नहीं करना है। घूम घूम करने से आपके उसके जो थूक होंगे वो आपके कपड़े पर गिरेंगे, वो खराब होगा। आप अपना एक बेसिन के पास में खड़े होकर के अपना ब्रश करें, वर्ड याद करते रहें। आप बिल्कुल हंसे नहीं, मैं आपको और एक जगह बता देता हूँ।
सबसे बेस्ट है कि टॉयलेट रूम में भी आप अपना जो है एक वर्ड का चार्ट बना करके आप रख दीजिए। आज जब आप लैट्रिन के लिए जा रहे हो या टॉयलेट के लिए जा रहे हो तो उस समय भी आप अपना 3-4-5 वर्ड याद कर लीजिए। वहां कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, आप हंसे ना प्लीज, है ना, वहां कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है छात्रगण, और आप बहुत अच्छा से वहां पर याद कर सकते हैं। कंप्यूटर तो आजकल की ये कॉमन सी भाषा है, ये आसानी से आपको याद किया जा सकता है। रहा बात मैथ्स, एवरेज मैथ्स बिल्डअप कर लीजिए। यदि आपके मैथ्स बहुत अच्छे हैं तो ये आपकी कॉम्पिटिशन 3-4 महीने में निकल जाएगी। और अगर आपका मैथ्स लगता है कि नहीं सर कि मैट्रिकुलेशन के बाद हमने मैथमेटिक्स जो है बहुत अच्छा नहीं किया है, तो मैं आपको यह भी कह दूं कि आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, मैथ्स भी आपका अच्छा हो जाएगा। इन तमाम चीजों के मद्देनजर हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि सही राह पर सही मार्गदर्शन, अच्छे गुरु का अगर साथ मिल जाए तो सफलताएं निश्चित रूप से कदम चुमेंगी। इस बात का हम सब दावा कर देते हैं छात्रगण, और आपको यह भरोसा दिलाते हैं, आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे साथ जुड़ करके आप इस मंजिल को पा सकते हैं। मंजिलें मुझे याद आती है छात्रगण, एक एक स्लोगन के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकलते ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकलते ही नहीं। आइए छात्रगण, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको पूरे विषयों की बारीकियों के बारे में लेकर के चलते हैं। अमूमन आपने देखा होगा छात्रगण कि किस प्रकार जो है परीक्षाओं के विषय जो हमारे हैं वो क्या लिए हुए रहते हैं। आइए एक विषय के बारे में जो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, मैं संजय सिन्हा आप सबों के बीच में मेंटल एबिलिटी रीजनिंग लेकर के आ रहा हूं, और आइए आपको दिखाते हैं कि मेंटल एबिलिटी की बारीकियां क्या है। इसके पहले छात्रगण एक बात आपको और बता दूं, कहा जाता है कि पढ़ाई के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो है रिक्तियां यानी कि वैकेंसियां। तो वैकेंसियों के लिए छात्रगण आप क्या करिए कि तमाम वैकेंसियों के लिए आपको जो सबसे पहला काम करना है वो यही है कि कोई भी एक सरकारी नौकरी का ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल पे रखिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज का ई कंटेंट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज का ई एम्प्लॉयमेंट न्यूज, मीन्स ई का मतलब आप बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जो कि आपका डायरेक्ट आपके मोबाइल पर फ्लैश हो जाएगा या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वट एवर यू कनेक्टेड विथ, नो प्रॉब्लम। छात्रगण इनमें तमाम वैकेंसियां होती हैं, केंद्र सरकार की तमाम वैकेंसियां इसमें होती हैं। इन तमाम वैकेंसियों में एक दो पोस्ट भी कहीं आपको निकले, आप उन एक दो पोस्ट के पीछे भागिए, फॉर्म भरिए, कई तरह के फोटोज आपके अपने फोटोज, उसके बाद आपका जो टेस्टिमोनियल्स है वो सभी अपना घर में करा करके रख लीजिए। कभी कभी किसी फॉर्म में कुछ गैजेटेड ऑफिसर का मुहर मांगता है, कोई ज़रूरत नहीं है वो सब मुहर मरवाने का, आप अपने घर पे ही वो गैजेटेड ऑफिसर का मुहर बनवा कर रख लीजिए। कोई भी वैकेंसी कुछ भी आती है सीधे उस मुहर को मारिए और अपना सीधे फॉर्म को भर दीजिए और एग्जामिनेशन दीजिए। अधिक से अधिक एग्जामिनेशन देने के फायदे क्या होंगे, आपको जो विभिन्न बोर्डों पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन कई बोर्ड पर रिपीट किए जाते हैं, आपको वहीं पर हीट करना है। विभिन्न बोर्ड पे दी गई परीक्षाओं के जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उसी क्वेश्चंस को आपको रिपीट करना है, उस क्वेश्चंस को याद करना है। वैसे भी वो तमाम क्वेश्चन आजकल तो पहले ही हाईलाइट हो जाते हैं कि हाँ भाई फलाना क्वेश्चन इस बोर्ड पे आया था, तो उन तमाम क्वेश्चनों को आप सब देख करके आप इजिली कनेक्टेड हो सकते हैं। जो जो आप गलतियां करते हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते थे, उनकी बारीकियों को डेवलप कीजिए आ करके, और डेवलप करने के बाद उन तमाम प्रश्नों को जो है बना करके आप रखें, देखिए आपकी सफलताओं का इबारत कैसे लिखा जाता है। छोटी छोटी बातें, एक अच्छी सोच, एक अच्छी कल्पना आपको इन परीक्षाओं पे सफलताएं दिला सकती है। यकीन मानिए जब आपकी पहली सरकारी नौकरी का बुलावा आएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ मेरी पहली सरकारी नौकरी का बुलावा आ गया, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप अपने आप में इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे कि आपको लगेगा कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है। आइए आपको उसी पड़ाव पर लेकर के चलते हैं छात्रगण, और सबसे पहले जानते हैं कि आपका रीजनिंग विषय जो है वो होता क्या है। छात्रगण पूरी रीजनिंग विषय जो है इसके दो पार्ट होते हैं, पूरा रीजनिंग दो पार्ट पे बना हुआ है।
पहले पाठ के तहत हम सब वर्बल रीजनिंग की बातें करते हैं। ये मेरा पहला पाठ होगा। और दूसरे पाठ के ओर जब हम बढ़ते हैं तो हम सब बातें करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग इसकी बातें करते हैं। एक पहले पार्ट पे हम सब चलते हैं वर्बल रीजनिंग की और दूसरे पार्ट पे नॉन वर्बल रीजनिंग की बातें करते हैं। जब हम वर्बल रीजनिंग की बातें करते हैं छात्रगण, तो जितने सारे प्रश्नों का समावेश होता है परीक्षाओं में, ये दोनों एरिया से ही प्रश्न होते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे बैठ रहे हो, मेंटल एबिलिटी एक ऐसा विषय है, रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो कई परीक्षाओं में आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। आप चाहे एसएससी की परीक्षा के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर आप बैंकिंग की परीक्षाओं के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर आप आरआरबी की परीक्षाओं के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर आप सीसैट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, दैट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आईएएस, आप किसी भी परीक्षा के लिए बैठ रहे हो, ये दोनों एरिया जो आपका रीजनिंग का, ये दोनों एरिया है जिसमें एक है आपका वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये आपको पूरी तरह से इन परीक्षाओं के मेन कंसेप्ट होते हैं, मेन बेस होते हैं मेंटल एबिलिटी। और यदि आपने मेंटल एबिलिटी को स्मार्ट बना लिया तो आपका एक विषय पे फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं छात्रगण। मैं इस विषय पर जोर आपको इसलिए देने कह रहा हूं कि ना तो आपको इसमें कोई फॉर्मूला याद करना है, ना तो आपको इसमें बहुत ज्यादा लंबा लिफाफा आपको क्रिएट करना है, बस बारीकी बारीकी हल्के हल्के कंसेप्ट हैं जिसे टाइप वाइज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 के आधार पर हम सब क्लास में पढ़ेंगे और उसके आधार पर आप सबों को स्कूल में इसमें जो है फुल मार्क्स दिलाने का हम सब प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं छात्रगण कि किस प्रकार से हम सब इनमें जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको पहले कहा कि पूरी रीजनिंग अपने दो भागों में बंटी पड़ी है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के दो पड़ाव हैं। एक पड़ाव जो इसका होता है वो है एनालिटिकल रीजनिंग, और इसका जो दूसरा पड़ाव होता है वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। दोनों की बातें करते हैं, एक सिंपल आपको बातें करते हैं। देखिए रीजनिंग क्या चीज होता है, किस प्रकार से वर्बल रीजनिंग एनालिटिकल और लॉजिकल पर बेस होता है, कंसेप्ट क्या है, इसके कैसे कंसेप्ट क्या होते हैं, इस चीजों को बताने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए वन ऑफ द क्वेश्चन दीजिए, एक क्वेश्चन कहता है 0, 3, 6 व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। सो वी आर इन द पार्ट ऑफ ए वर्बल रीजनिंग इन विच वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज द 0, 3, 6 व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर। कमान, एनीबडी, कोशिश कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यदि आप नहीं बता पा रहे हैं बिल्कुल आप मत डरिए, मैं हूं ना, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे छात्रगण, और बहुत ही आसानी से। ये तमाम जो क्वेश्चंस होते हैं ये सभी एक बेसिक कंसेप्ट पे बरसे पड़े होते हैं छात्रगण, और इसी बेसिक कंसेप्ट को ही हम सब यहां पे डालने का प्रयास करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल, दिस इज 1 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 1, 2 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 7, एंड देन इट इज 3 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 26। सो दिस इज द बेस, बट द क्वेश्चन इज 0, 3, 6। सो लेट्स इट रिमाइंड 0, 7, 26, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर। सो वी हैव चेंज द क्वेश्चंस, 1 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 3 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 27, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, इट इज 4 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 63। सो व्हाट शुड बी द आंसर, इट शुड बी द 63। सो हम सब कहां पहुंचते हैं, किन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं कि सर वन ऑफ द बेस है जहां पे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब और देन इट इज माइनस 1, इट शुड बी माइनस 2, माइनस 3,
प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, वॉट एवर इट कैन बी. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द रीजनिंग बेसिकली. इट्स वेरी इजी. आपको लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा तो मुश्किल है. बोले बिल्कुल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और मेहनत के बाद आप इसमें बहुत अच्छे कर सकते हैं. इस बात का मैं दावा करता हूं छात्रगण. अगले प्रश्न की ओर आपको एक सिंपल सा प्रश्न के पास में लिखते हैं और ये है ऑड वन आउट. ऑड वन आउट ये कहता है नंबर वन हाथ, नंबर दो कान, नंबर दो नाक, नंबर चार पैर. आपसे पूछता है कि इनमें से कौन अलग है, इनमें से कौन अलग है. अब आप अपना कमान पूरा आंसर दे पा रहे होंगे. पूरी रीजनिंग देखिए, ये कितना आसान क्वेश्चन है कि इन चारों में कौन अलग है, हाथ कान नाक और पैर. आपको जान करके बहुत बहुत आश्चर्य होगा छात्रगण. कमान आंसर. हाथ नो, आप कान नो. अरे यार एक हाथ बोलोगे, एक कान बोलोगे, एक पैर बोलोगे, बचेगा वो आंसर हो जाएगा. हाथ कितने होते हैं हमारे, दो. कान कितने होते हैं, दो. नाक कितने होते हैं, एक. पैर कितने होते हैं, दो. तो विच वन इज डिफरेंट, दैट इज नाक. सो इट्स डजंट मैटर. मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप इस प्रश्न को नहीं जानते थे. ये क्वेश्चंस की लॉजिक थी जिसको आपको सॉल्व करना था और आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से बना पाने में कामयाब होंगे. आपने देखा छात्रगण, ऊपर के दोनों प्रश्नों में आपने देखा कि किस प्रकार से सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट मायने रखते थे और कितने आसानी से कितने बारीकी कंसेप्ट इन प्रश्नों के पास में हैं. उसी बारीकी कंसेप्ट को आप सबों को सीखने का प्रयास करना पड़ेगा छात्रगण. आप हमेशा याद रखिए कि जब तक आप अपने अच्छे सोच, अच्छे मेंटल का प्रयोग आप नहीं करेंगे, इस विषय पर आपको 100% मार्क्स ना पाने में भी थोड़ी मुश्किल होगी. लेकिन मैं दावा करता हूं कि आपका लगातार मेहनत, लगातार प्रयास आपको इस विषय पर 100% मार्क्स दिला पाने में कामयाब होगा. इस बात का मैं आपको दावा करता हूं छात्रगण. इसी पार्ट में जब हम वर्बल रीजनिंग की बातें करते हैं तो इसका सेकेंड पार्ट आ जाता है जहां हम सब चर्चाएं करेंगे और वो होगा लॉजिकल रीजनिंग का. लॉजिकल रीजनिंग क्या कहता है मेरा लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग कहता है कि आप सोचो, आपको यह सोचने के लिए मजबूर करता है. चलिए आप सोचिए, मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, आपको सोचना है. एक बच्चा है, वो अपने घर से घर आता है, उसके हाथ में एक फोटो है जो उस बच्चे के विद्यालय का है, उस बच्चे के स्कूल का है. वो बच्चा उस फोटो को दिखलाते हुए अपनी मां से कहता है कि मम्मी बताओ, इस फोटो में जो तुम देख रही हो वो क्या है? एक्चुअल में जो फोटो बच्चा दिखाता है उस फोटो में उसके विद्यालय के, उसके स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा झंडा फहराया जा रहा था. सभी बच्चे लाइन में खड़े थे और झंडे को सलामी ले रहे थे. उस बच्चे ने आकर के सिर्फ इतना ही सवाल अपने मम्मी पापा से पूछा कि मम्मी पापा आप तो फोटो देख लिए, अब आप हम लोगों को बताइए कि ये जो आप देख पा रहे हैं, जो ये झंडा देख पा रहे हैं, जो फोटो आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, एक प्रधानाध्यापक है विद्यालय के और सभी बच्चे खड़े हैं झंडा फहरा रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि यह फोटो देख के हम कैसे पता कर लें कि यह झंडा 26 जनवरी को फहराया गया था या 15 अगस्त को फहराया गया था. झंडा तो दो ही बार फहराया जाता है, चाहे 15 अगस्त को चाहे 26 जनवरी को. अब माता पिता इस प्रश्न को सोचने के लिए पूरे थिंकिंग हो गए. छात्रगण आप भी दिमाग लगा सकते हैं, आपको जवाब देना है इस लॉजिकल रीजनिंग के तहत में कि किस प्रकार से झंडा कब, 15 अगस्त या 26 जनवरी को किस वक्त यह झंडा फहराया गया होगा. आपको सिर्फ वो फोटो देखना है,
फोटो देख के आप कैसे बता सकते हैं कि यह झंडा कब फहराया गया था? दैट कंसेप्ट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ ए लॉजिकल रीजनिंग. एंड इन द रीजनिंग चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग इज वन ऑफ द पार्ट. एंड इट्स वेरी इजी, इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन बेसिकली, एंड यू कैन गिव द आंसर वेरी क्लियरली. छात्रगण, इसका सही जवाब होगा कि यदि वह फोटो में जो झंडा फहराया जा रहा था, यदि वो गणतंत्र दिवस का था, 26 जनवरी को था, तो आप मान के चलिए कि कोई ना कोई बच्चा, एक ना एक बच्चा स्वेटर या पहना हुआ होगा. अर्थात पोशाक के माध्यम से हम सब पोशाक को देख करके, उसके ड्रेस को देख करके ये पकड़ लेंगे कि यह फोटो 26 जनवरी का था कि 15 अगस्त को था. यदि 15 अगस्त की फोटो होगी तो आप जान करके चलिए कि एक भी बच्चा जो है अपने पोशाक में स्वेटर या मफलर नहीं पहना हुआ होगा. और यदि वह 26 जनवरी का होगा, रिपब्लिक डे का फोटो होगा, तो कोई ना कोई बच्चा निश्चित रूप से अपने पोशाक में गर्म कपड़े पहना हुआ होगा. अर्थात आसानी से हम सब देखकर उसे पकड़ सकते हैं कि यह फोटो किस वक्त का था. सो दिस इज द पार्ट ऑफ ए लॉजिकल रीजनिंग. हम सब दो पड़ाव पे पहुंचे हैं छात्रगण. वर्बल रीजनिंग के दो पार्ट होंगे, एक होगा एनालिटिकल रीजनिंग और दूसरा होगा लॉजिकल रीजनिंग. जब हम नॉन वर्बल रीजनिंग के पास पहुंचते हैं तो यहां पर तमाम जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिगर बेस्ड हैं छात्रगण, फिगर बेस्ड हैं. तमाम क्वेश्चन चित्रों पर आधारित होते हैं और SSC और रेलवे की परीक्षाओं में, बैंकिंग की परीक्षाओं में नॉन वर्बल का पार्ट अब जाता रहा, बिल्कुल नहीं आता है. इसलिए अब हम सब सीधे सीधे अपने फिगर बेस्ड रीजनिंग पर फोकस करेंगे. फिगर बेस्ड रीजनिंग पर हम सब आएंगे और पूरी तरह से नॉन वर्बल रीजनिंग का जो फिगर बेस्ड रीजनिंग है उस पर भी आपको कमांड हासिल कराएंगे. कमांड हासिल के लिए बस बिल्कुल एक ही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा. मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू विल गेट मोर एंड मोर मार्क्स. देर इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट इन द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. आपकी प्रैक्टिस आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा छात्रगण. इसलिए आपको यह कहा जाता है कि आप थोड़े से अच्छे से मेहनत करके अपनी सफलताओं का इतिहास लिख दीजिए. आइए जानते हैं छात्रगण कि एक परीक्षा विशेष पर पूरे रीजनिंग के क्या विषय होते हैं और कितने तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं. छात्रगण, आपको बता दें कि पूरे रीजनिंग पे आपके तकरीबन SSC, रेलवे, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सबको अगर मिला लिया जाए तो तकरीबन 28 से 30 चैप्टर के बीच, 28 से 30 चैप्टर के बीच ये पूरी रीजनिंग आपकी खत्म होती नजर आती है. अर्थात ये 28 से 30 चैप्टर पे आपकी कमांड होती है और आपको परीक्षाओं में 100% मार्क्स दिलाने का वादा भी संजय सिन्हा करता है. एक भी ऐसे अंक नहीं होंगे जो आपके काटे जाएंगे. और यदि आपके एक अंग कटेंगे, आपके एक अंक कटेंगे, तो सपोज समझ जाइए कि संजय सर का दिल कितना रोएगा, क्योंकि आपका एक अंक कटना परीक्षाओं में आपको कई बच्चों से पीछे कर देगा. और यह एक ऐसा विषय होगा जहां पे आपको टारगेट 100% करना होगा. तो जानिए कि टारगेट 100% पूरा करने के लिए इन 300 चैप्टरों का गहन अध्ययन हम सब कराएंगे आपको छात्रगण, और आपको आपकी मंजिल तक प्रवेश करा करके रहेंगे. आइए जानते हैं कि ये 28 से 30 चैप्टर बेसिकली रीजनिंग के कहां से होते हैं. कुछ एक फ्रेमवर्क खींच देते हैं. कल की क्लास से आपकी पढ़ाई भी शुरू कर दे रहे हैं. आज बेस क्लास था, आपने रीजनिंग की बारीकियों को जानने का प्रयास किया है, तो ये सारी चीजें आपको ये कर देते हैं. कुछ चैप्टर इसमें छात्रगण, नंबर वन दैट इज द कोडिंग एंड डिकोडिंग. सो दिस इज द थिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वन ऑफ द चैप्टर. दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोडिंग एंड डिकोडिंग. एटलीस्ट 30% ऑफ योर रीजनिंग विल बी कंप्लीटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन. किसी भी परीक्षा में कोडिंग और डिकोडिंग से तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं छात्रगण. अर्थात यह एक चैप्टर अकेले बहुत वाइटल चैप्टर है. उम्मीद करते हैं चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षाओं में कोडिंग और डिकोडिंग से प्रश्नों का समावेशन होता है और आपको बहुत ही अच्छी तरह से यह चैप्टर कराए जाएंगे सो दैट कि आप परीक्षाओं में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें. ध्यान छात्रगण, वैसे छात्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करते हैं, तो CSAT के लिए भी छात्रगण जो ये तमाम जो चीज़ लिखा जा रहा है वो आपके लिए उपयोगी होगा.
नंबर दो इसमें चैप्टर्स हैं, दैट इज द ब्लड रिलेशन. ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के चैप्टर में आपको जो है वो किस प्रकार के रिलेशंस बिल्डअप होते हैं और इस रिलेशन से आपको कैसे उनमें समन्वय स्थापित करना है, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं. थोड़े से आपके रिलेशन अगर बिल्डअप हैं, मीन्स आंटी, अंकल, मैटरनल अंकल, कजन, ये सब रिलेशन क्या होते हैं, तो बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं. थर्ड चैप्टर की ओर आपको लेके चलेंगे और वो है डाइस. डाइस के जो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं वो आपके स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे प्रश्न होते हैं. अपोजिट सरफेस इसमें ज्ञात करने होते हैं कि अपोजिट सरफेस कैसे ज्ञात किया जाएगा. सो इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान तरीके से आपको इस सारे चैप्टरों को समझाने का प्रयास करेंगे. चौथे चैप्टर पे आप चलेंगे और वो होगा आपका मिरर इमेज. मिरर इमेज कहने का मतलब हो गया दर्पण प्रतिबिंब, अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट का मिरर पर इमेज कैसे बनता है, इस चीज को ही हम सब मिरर इमेज कहेंगे. कई इसके पड़ाव होंगे छात्रगण, घड़ी मिरर में कैसा नजर आएगा, घड़ियों को मिरर में देख के हम सब किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, ऐसे तमाम क्वेश्चन जो होंगे वो मिरर इमेज के अंतर्गत में रखे जाएंगे. पांचवें नंबर पर हम सब आएंगे और वो होगा आपका वाटर इमेज के रूप में. जिस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज पर आपने देखा, उसी प्रकार से ये फुल चैप्टर आपके वाटर इमेज पर होंगे. और वाटर इमेज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसको जल में देखा जाए तो ये अपना प्रतिबिंब जल में कैसे दिखाएगा, ये वाटर इमेज का पार्ट होगा. छठे नंबर चैप्टर पर हम सब जब हम पहुँचते हैं तो मेरा चैप्टर आ जाता है सिटिंग अरेंजमेंट्स का. इट्स ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और पूरी सिटिंग अरेंजमेंट्स पे हम सब अपना काम करेंगे क्लास के अंदर में. और बैठने की व्यवस्थीकरण, कैसे बैठा जाए, उस पर हम सब अपने आप को फोकस करेंगे. और बहुत ही मनोयोग से, बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड से तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे. छात्रगण, सिटिंग अरेंजमेंट्स के बाद बेहद बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका नाम है पजल. पजल की बातें मैं अभी कर रहा था. छोटे छोटे प्रश्न होते हैं पजल में और उन प्रश्नों को एक 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 पैरा बेस पे वो क्वेश्चंस होते हैं. उस पैरा बेस पे क्वेश्चंस को पढ़ करके उसके नीचे कई सारे चार पांच क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, उनको हल करना पड़ता है. बेसिकली पजल्स का एरिया जो है वो बैंकिंग क्षेत्र के लिए है, लेकिन SSC और रेलवे में भी हम सब थोड़ी बहुत इसकी जानकारी लेकर के ही आगे हम सब बढ़ते हुए इसमें नजर आएंगे. नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग चलेंगे और वहाँ पर वही है ऑड मैन आउट. ऑड मैन आउट इसको हम सब कहते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इसकी बातें करेंगे. ऑड मैन आउट के तहत में क्लासिफिकेशन की बातें करेंगे और इसमें वही जानेंगे कि दिए गए चार या पांच के समूहों में से कौन एक अलग होगा, इसकी जानकारी हम सब ऑड मैन आउट के तहत मिलेंगे. जब हम नवे चैप्टर के पास चलेंगे तो हम सब बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट लेंगे और वो होगा मेरा सीरीज. ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा. सीरीज की बात जब हम सब करेंगे, सीरीज में हम सब क्या देख पाएंगे छात्रगण, कि पूरी सीरीज जो होती है वो किस प्रकार से मैथमेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, वर्ड सीरीज, कैसे एक सीरीज के बाद दूसरे सीरीज का निर्माण होता है, वो हम सब सीरीज चैप्टर के पास में हम सब देख पाएंगे. अगले चैप्टर की जब हम सब बात करेंगे तो वो चैप्टर होगा मेरा कैलेंडर. और कैलेंडर के चैप्टर में हम सब देख पाएंगे कि किस प्रकार से लंबे वर्षों में, बहुत लंबे वर्षों में, आप इस सब क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व कर पाने में कामयाब होंगे. छात्रगण, आज से 20 साल बाद कौन सा दिन होगा, 20 साल पहले कौन सा दिन था, आज का दिन आपको ज्ञात है तो आप 20 साल पहले 20 साल बाद का दिन ऐसे चुटकी बजाकर ज्ञात कर सकते हैं. महीने भर के अंदर दिन को ज्ञात कर सकते हैं. एक वर्ष के अंदर कौन सा महीने में कौन सा दिन होगा, इसको चुटकियों में आप ज्ञात कर सकते हैं. छात्रगण, ऐसे तमाम ट्रिकी अप्रोच रहेंगे, तमाम चैप्टरों के हम सब ट्रिकी अप्रोच आपको देंगे. पहले कंसेप्ट देंगे कि इसका ये कंसेप्ट होता है और फिर उसका ट्रिकी अप्रोच के माध्यम से आपको इसको दूर करने का प्रयास करेंगे. छात्रगण, अगले चैप्टर पर आएंगे और हमारा कैलेंडर के बाद एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट आप सबों का बीच में और चैप्टर बच रहा है और वो चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डाइस, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिटिंग अरेंजमेंट्स, पजल, ऑड मैन आउट, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कैलेंडर. और उसके बाद आप चलेंगे इनपुट और आउटपुट की ओर. इनपुट एंड आउटपुट, input and output. So this is also one of the syllabus, that is input and output. A very small, एक छोटी सी रेखा इसमें खींचेंगे input output के केस में और आपको जो है इसमें बताने के चलेंगे. Next chapter मेरा होगा और वो होगा आपका analogy का. Analogy भी बहुत important chapter है. दो
वर्ड्स के बीच में जो समानता होती है उसी समानता को हम सब इसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द एनालॉजी। ये भी चैप्टर एक हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसको हम सब एनालॉजी के चैप्टर की ओर हम सब देख पाने में कामयाब होंगे। ओवरऑल जब आप इन चैप्टरों को बहुत गौर से आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है, नेक्स्ट में आपका 13 नंबर चैप्टर में है और वो है सिलोगिज्म। सिलोग में क्या है आपका, जैसे कुछ बिल्ली बकरे हैं, कुछ बकरे कुत्ते हैं, इस प्रकार के जो तमाम क्वेश्चंस होते हैं वो सिलोगिज्म के पार्ट होते हैं। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, हम सब लॉजिकल एस्पेक्ट्स पे पूरे सिलोगिज्म को डील करेंगे और आपको शानदार इसका ट्रिक देंगे कि यदि आप इसके लॉजिकल एक्सेप्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं एस्पेक्ट्स को, तो आप निश्चित रूप से जो है मेरे ट्रिक के माध्यम से, मेरे सहारे ट्रिक के सहारे से आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को है पूरा कर पाने में कामयाब होंगे। इस प्रकार छोटे छोटे चैप्टर, दीज आर द मेन, आप यहाँ जितना सारा चैप्टर्स देख रहे हैं ये बेसिकली SSC, रेलवे, CSAT और बैंकिंग, इतने जगह पर ये तमाम चैप्टर्स बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो कि परीक्षाओं के पार्ट हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ इसके बाद और चैप्टर रह जाते हैं, तकरीबन 12 से 15 टॉपिक और हम सब अपने कक्षाओं में डील करने का प्रयास करेंगे जिसे सिलेबस में लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है। क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो एक एक चैप्टर के साथ आपको डील करते हुए चलेंगे। उसमें कई सारे चैप्टर्स हैं जैसे कि डायरेक्शन टेस्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट का। डायरेक्शन टेस्ट पर भी आपकी पूरी हम सब कमांड करेंगे। ऐसे लेकर के लगभग 13-14 टॉपिक्स और आपके बचते हैं जिसको हम सब लेटर ऑन जो है वो तमाम टॉपिकों को डील करते हुए आपको बताएंगे। छात्रगण आपको इस बात का बिल्कुल बिल्कुल ख्याल रखा जाना चाहिए कि ये एक एक चैप्टर न सिर्फ आपको मैनुअल कंसेप्ट के आधार पर बताए जाएंगे, न सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, बल्कि आपको याद होना चाहिए कि एक एक प्रश्न पर आपको शानदार ट्रिक देते हुए ऐसे प्रश्नों को आपको जवाब आपको हल करने का प्रयास कराया जाएगा और एक एक टॉपिक के बाद आपको कई सारे टेस्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिससे कि आप अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके अपने आप को और अधिक एनहांस कर सके, अपने आप को और अधिक मजबूत कर सके। इन्हीं सफलताओं के साथ आपको रीजनिंग विषय पे मास्टर बनाने का दावा करते हैं छात्रगण और आपको वादा करते हैं कि पूछे गए प्रश्न के 100% जवाब आप दे पाने में कामयाब होंगे, ऐसा मैं आपको यकीन दिलाता हूं। बस आपको एक ही बात मेरी माननी है कि जो कुछ भी आपको टेस्ट दिया जाता है, जो कुछ भी रिवीजन के लिए आपको होमवर्क दिया जाता है, उन तमाम रिवीजनों को आप सब करें छात्रगण, तमाम होमवर्क को आप अच्छी तरह से करें, तब जाकर के आप देखिए कि मेरा विषय कितना मजबूत हो गया है। एक ही निवेदन आपसे करना चाहता हूं छात्रगण कि विषयों को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़िए, कंसेप्ट से पढ़िए, जो कुछ भी विषय है, जो कुछ भी पढ़ाया हो रहा है, बस उसे अच्छी प्रकार से समझते हुए पढ़िए। सो दैट कि उसका, सपोज कीजिए क्लास में आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और एग्जामिनेशन में जब आप पहुंचे तो बोले कि अरे ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ही नहीं, उस चैप्टर का था लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं था, वहां पर बस आपका एक ही चीज काम आएगा और वो है आपका कंसेप्ट और वो है आपका उस विषय के प्रति आपकी गहरी रुचि कि आपने किस प्रकार से उस विषयों की रुचि का अध्ययन किया है। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम प्रश्नों के माध्यम से, इन तमाम सिलेबसों के माध्यम से आज आप रीजनिंग विषय से रूबरू हुए होंगे छात्रगण। मैं संजय सिन्हा दावा करता हूं कि आप सबों को इस विषय पर बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे और आपको 100% परीक्षाओं में मार्क्स दिलाने का वादा करते हैं। कल की क्लास में हमारी शानदार मुलाकात होगी छात्रगण और वहां पर हम सब अपने कल से पढ़ाई शुरू करेंगे छात्रगण और कल से पढ़ाई शुरू करके एक एक विषय का कंसेप्ट देंगे। पूरा कॉपी पेन एकदम लेकर के आप सब बैठेंगे कल की क्लास से, एकदम अपने हाथों में पेन, 2-3 पेन रख लेंगे, कॉपियां रख लेंगे, कल से हम आपकी पढ़ाई शुरू करेंगे और कल से आपके नए चैप्टर की शुरुआत कर देंगे, कल से पहले लेसन की हम सब शुरुआत करेंगे। तो ऑनलाइन कक्षाओं में आप सब लगे रहिए, आप सब बहुत बहुत मेहनत करिए, ये शुभ मंगल कामना हम सब करते हैं, आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं और ये दुआ देते हैं कि आप सब ऑनलाइन कक्षाओं का मजा लेकर के जिंदगी की सफलताओं में जल्द से जल्द अपनी सफलताओं का परचम लहराइए, इसकी मंगल कामना करते हैं छात्रगण। चलते चलते बस मैं यही कहना चाहता हूं छात्रगण कि लहरों को खामोश देखकर यह ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, लहरों को खामोश देखकर यह ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, उठने की अभी ठानी नहीं है। लेकिन छात्रगण मैं आपको यही कह देता हूं कि अब उठने की ठान लीजिए क्योंकि अब आपका वक्त है परीक्षाओं में सफलताओं का इतिहास लहराने का, परीक्षाओं में सफलता का परचम लहराने का। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कल की कक्षाओं से आपके क्लास को भी शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच।